जब प्यार की मिसाल देनी हो तो एक माँ और बच्चे के प्यार की मिसाल दी जाती है, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई रिश्ता ऐसा होता है जिसमें इतना प्यार देखा जाए। लेकिन दोस्तों, क्या जानवरों में भी इतना ही प्यार होता है? क्या एक मादा जानवर अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितना के इंसानों में देखा जाता है? चलिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। नंबर वन पर है हाइना। यहाँ पर एक मादा हाइना अपने बच्चे को 17 कुत्तों से बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि दोस्तों, अगर आपने लायन किंग मूवी देखी होगी तो आपको हाइनास के बारे में पता ही होगा कि ये एकदम नेगेटिव रोल में थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सीन थोड़ा उलट है। ये माँ अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। बहुत देर तक कुत्तों ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो 17 कुत्ते भी इसके बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आखिर में वहाँ से भाग निकले। नंबर दो पर है टर्की माँ, जो कि कोबरा से लड़कर अपने बच्चे को बचा रही है। पहले तो टर्की को पता नहीं चलता कि सांप उनके बच्चों के पास आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है तो टर्की माँ एकदम से अपने बच्चे को बचाते हुए एक कोने में ले जाती है और कोबरा को बार बार अपनी चोंच से मारती है। और जब बार बार कोशिश करने के बावजूद कोबरा के हाथ कुछ नहीं लगता है तो वह वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, बिल्लियां कितनी शैतान होती हैं ये तो हम सभी जानते ही हैं। जैसा कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर वॉक पर निकला होता है और रास्ते में ये कुत्ता बिल्ली के बच्चे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से इनकी माँ बिजली की तेजी से आती है और इतने बड़े कुत्ते के साथ लड़ पड़ती है। हालांकि कुत्ता पीछे हट जाता है, लेकिन बिल्ली कुत्ते पर कूद पड़ती है और अपने बच्चों को बचा लेती है। ऐसा कहा जाता है कि डक और बर्ड्स सबसे भयंकर जीव होते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बतख दो बड़े बड़े जिराफ को टक्कर दे रही है। हालांकि दोस्तों, जिराफ एक शाकाहारी जानवर है, इसीलिए वो शायद बतख से हेलो हाई करने ही आए थे, लेकिन बतख को लगा कि ये मेरे बच्चों को खाने आए हैं और इसीलिए एक बतख बच्चों को सुरक्षा देती हुई चल रही है और दूसरी जिराफ को डरा रही है और जिराफ भी बेचारे वहाँ से भाग निकलते हैं। अगर जानवरों में सबसे बेहतरीन मादा की बात की जाए तो जिराफ सबसे ऊपर आते हैं। इनके बच्चे करीब 6 फीट तक लंबे होते हैं। हालांकि जिराफ भागने में तेज नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को बाकी जिराफ के पास छोड़ देते हैं या फिर उन्हें छुपा कर रखते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ शेर की नजर जिराफ के बच्चे पर है और इन्होंने माँ और बच्चे को घेर कर रखा है, लेकिन 4-5 शेर होने के बावजूद मादा जिराफ जोर से शेर के मुंह पर लात मारकर उन्हें भगा देती है। हाथी अपने बच्चों को करीब 2 साल तक अपने साथ ही रखते हैं और इनका वजन करीब 90 किलो के आसपास होता है। हाथी के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और इसी कारण उन्हें हर चीज के लिए माँ की जरूरत होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हाथी के बच्चे आमतौर पर उसके साथ ही चिपक कर चलते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक हाथी का बच्चा चलना तो दूर, बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। उसे बेबस देखकर उसकी माँ दौड़ती हुई उसके पास आती है और अपनी सूंड से उसे खड़ा करने की कोशिश करती है।
नंबर 7 पर है मादा सुअर, जो कि अपने बच्चों को एक बड़ी छिपकली से बचाती है। ये बड़ी छिपकली सुअर के बच्चे को पूरी तरह निगल सकती है। ये छिपकली पहले तो माँ को अनदेखा करके बच्चों की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही मादा सुअर की नजर छिपकली पर पड़ती है तो वो भागती हुई उसके पास जाती है और उसे डराकर भगा देती है। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ज़ेब्रा के ग्रुप में जो लीडर होता है वो कभी कभार बच्चों को मारता है या फिर उन्हें मारने की कोशिश भी करता है। ये अक्सर उन बच्चों को मारने की कोशिश करता है जिनका उससे खून का संबंध नहीं होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक नर ज़ेब्रा एक बच्चे को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बच्चे की माँ उसे बचाने आती है। वो नर ज़ेब्रा बच्चे को काटने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी माँ नर ज़ेब्रा को भागने के लिए मजबूर कर देती है। और आखिर में जब नर ज़ेब्रा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो बच्चे की माँ उसके मुंह पर लात मारकर उसे भगा देती है। चूहे वैसे तो खुद सांप का शिकार होते हैं, लेकिन इस क्लिप में सीन थोड़ा उलट है। यहाँ पर एक चूहिया बहुत बड़े सांप से लड़ रही है। जरा ध्यान से देखिए, इस सांप के मुंह में इस चूहिया का बच्चा है, जिसके लिए ये चूहिया इतने बड़े सांप से भी भिड़ पड़ी है। सांप बच्चे को मुंह में लेकर झाड़ियों में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूहिया उससे लड़के अपने बच्चे को बचा लेती है और सांप उसके बच्चे को छोड़कर भाग जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम इसी तरह की मनोरंजक वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, इसलिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।